चलें जी, आपने ये थाईलैंड के जो जानवर तो देख लिए, आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ ला रहा हूँ। वो नई चीज़ क्या ला रहा हूँ कि रोटी। जी हाँ, हमारे यहाँ जो रोटी होती है, मतलब रोटी का मतलब ही यार, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही है, वो बनी जो है ना नमकीन है, लेकिन थाईलैंड वालों ने उसका नक्शा ही चेंज कर दिया और उसको क्या कर दिया, रोटी का मतलब यहाँ पे होता है कि उसके अंदर स्टफिंग की जाती है, बनाना की, स्ट्रॉबेरी की, या जो मर्जी फ्रूट पर इस्तेमाल करें, एप्पल पाई या इस तरीके का, और उसके ऊपर हर्षी का सिरप या कोई भी मतलब चीनी का सिरप डाल के पेश किया जाता है। तो इनके मामले में ये है जी रोटी। और ये देख रहे हैं जी, काफ़ी अपने टैक्ट दिखाते हुए भाई साहब, और जैसे हमारे यहाँ के पठान जो लच्छे वाली रोटी बनाते हैं, उनकी भी यार आप लच्छे वाले जो पराठे बनाते हैं ना, वो भी चीनी डालते हैं उनका, थोड़ा आप टेस्ट करें ना, जो आपके घर का पराठा होगा और उनका पराठा होगा, उसमें काफ़ी सारा, बल्कि ज़मीन और आसमान का ही फ़र्क होगा। तो ये भाई थोड़ा सा मुझे टैक्ट दिखाते हुए, क्योंकि कैमरे के सामने हर किसी को शौखियाँ मारनी होती हैं, क्योंकि शौखियाँ मारने का सिर्फ मुझे आदत नहीं है कि चलें जी मैं यूट्यूबर बना फिर रहा हूँ और मैं जी थोड़ी सी शौखियाँ मारूँ, तो जैसे जिस जिस के पास मैं कैमरा लेके जाता हूँ तो वो भी थोड़ा जोश खिताबत में आ जाता है। सर इसने क्या किया, इसने नॉर्मल रोटी को बेला जैसे हम लोग बेलते होते हैं, लेकिन एंड में इसने रोटी फाड़ दी। ये वो वाली औरत नहीं होती जिसका, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि दिल टूटी तो जंग टूटी, सेम सेम, तो मतलब उसका दिल ही नहीं लग रहा था इस रोटी को गोल बनाने में। चलें जी, इसने क्या किया कि इसके अंदर इसने केला काट के दे दिया। मुझे लगता है इसने तो सबसे पहले आज मुझे हैज़ा, जैसे अच्छा कुछ इंग्लिश बच्चे भी होंगे तो हैज़े का मतलब होते हैं डायरिया। इंग्लिश बच्चे क्यों कह रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं व्लॉग देखते हैं, या जैसे आप भी मेरे दोस्त हैं, तो आप लोग कभी कभी कह देते हो यार कि ये डायरिया यूँ वो, तो मैंने इसलिए पहले हैज़ा ही कहा। अच्छा, इसने क्या किया, जैसे नानी अम्मा की तरह ना, वैसे नानी अम्मा बोलते हैं, मुझे नानी अम्मा बहुत याद आ गई। तो इसने क्या किया जी, चलें जी, इस रोटी को चकोर बना के ना पूरा जैसे एक ख़त बना दिया जाता है, जैसे पार्सल मेरे लिए आने वाला हो कि मेरे लिए डाक आने वाली हो, तो इसने डाक बना के इसे क्या किया है कि नॉर्मल तरीके से पका के उतार लिए तवे से, क्योंकि मैंने जल्दी से वीडियो वो कर दिया। अच्छा देखो इस रोटी को, देखो हथौड़े से, अगर ये हमारे पाकिस्तान में होता और मेरी नानी या दादे के हाथे लग जाता है, दादी के, तो वो लोग कहते हैं नहुस्ती के काम चेक करो, छुरी से काट रहे। तो उम्मीद है कि आपको थाईलैंड की रोटी अच्छी लगी होगी। अगर रोटी अच्छी लगी है तो ये कंडेम मिल्क डाल रहा है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करें, तो मैं कह रहा हूँ रोटी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।